तूफानी बारिश के बाद सड़कें खराब हो गई हैं। इलाका में कई सख्त परेशान है। गांव का कारोमला और जमनमला में कच्ची सड़क पर पानी जमा होने से दोहामला खवातीन अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई है। अपडेट करें, बारिश के बाद कई देहातों के कच्ची और पक्की सड़कें जेरे आब आ गई हैं। तूफानी बारिशों के बाद सड़कें खराब हो गई, इलाका मकीन सख्त परेशान है। इस बारे से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियो नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत शाह, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ठट्टा में मुसलसल जो 7 दिन से पड़ने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी है और तेज तूफानी बारिशों के बाद जो सड़कें भी खराब हो गई है। जो ज्यादातर जो देहातों के सड़कें जहाँ पर कच्ची सड़कें हैं वहाँ जो है काफी खराब हो गई है, जिसके बाद जो वहाँ पर जो मकीन उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा है। और गाँव कारो मल्ला और जुमन मल्ला में कच्ची सड़क पर पानी जम होने से दो हमला खवातीन अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई है। और वहाँ पर इतनी हालत खराब है कि अस्पताल के लिए जो जाने वाली जो मतलब गाड़ियां वगैरह है उनका तो काफी दुश्वार रास्ता होने के बाद उनके मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और बारिशों के बायस जो है काफी देहातों को जो सड़कें थे वो भी घेराब आ गई और जमीनी रास्ते भी मुनकता हो गए। जमीन जो बीमार अफराद है इनको अस्पताल ले जाने में काफी दुश्वारी हो रही क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो गया है, बारिश का पानी और जो कीचड़ भी होने की वजह से वहाँ पर जो गाड़ियां वगैरह जाने के लिए रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। और जहाँ जो बीमार अफराद है उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए जो वहाँ के मकीन उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपको बताएं कि ज्यादा जो बारिश होने की वजह से यहाँ के जो फसलें भी तबाह हो गई है, कच्चे मकान की जगह उस वक्त लोगों को काफी परेशानी का सामना हो रहा है। जी ठीक है, गांव कारो मल्ला और जुम्मन मल्ला में कच्ची सड़क पर पानी जमा होने से दो हमला खवातीन अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई। तफसीलन हमें नज़ाकत शाह आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।